Hello everyone and welcome to today's session. So we are starting today. Yes, Hashmita, you are there? Okay. Yes, I am present here. Right, okay. So, main Anukriti Raj, Expressions in Languages and Arts Foundation, Lucknow, Uttar Pradesh ki taraf se, hamari yuva vakta Hashmita Arora और हमारे सभी श्रोतागण का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। शुरुआत करेंगे हम एक्सप्रेशंस इन लैंग्वेजेस एंड आर्ट्स फाउंडेशन के कुल गीत से, जिसकी रचना स्वयं प्रोफेसर आरपी सिंह सर के द्वारा की गई है। सो वी आर प्रेजेंटिंग द फाउंडेशन सिग्नेचर सॉन्ग फॉर योर काइंड अटेंशन एंड रिसेप्शन। Okay, now, so
जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे श्रृंखला भाषा साहित्य और समाज काव्य पाठ चर्चा एवं संवाद है, और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच आज की सबसे युवा डायनेमिक वक्ता है, जो लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्रा भी हैं, हश्मिता अरोड़ा. She is a freelance writer and content developer. Today she would be presenting her views on Sahitya ka Amrit ek Parichay. And now over to you, Hashmita. Just a second. Before that, I would request all the participants to kindly check their mic and mute themselves. Yes, Hashmita, you could now start. Unmute yourself, Hashmita. Okay, I'm sorry. A very warm welcome and good evening to all of you present here. As you all are abreast with the notion that literature is the mirror of the society. इतिहास और साहित्य ही हमारे समाज का दर्पण है. इस पंक्तियां या इन पंक्तियों को हम बहुत भली भांति जानते हैं, और ये पंक्तियां हमारे अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि और आलोचक यानी क्रिटिक मैथ्यू अर्नोल्ड ने साहित्य के प्रति उपयोगितावादी दृष्टिकोण अपनाने का संदेश दिया है. तथा साहित्य एकमात्र मनोरंजन का साधन ना होकर अपने युग के मानवीय प्रश्नों समस्याओं की इस प्रकार से प्रस्तुतिकरण करता है जिससे समाज का मार्गदर्शन भी होता है और उसे भीतरी और बाहरी स्वरूप भी उभर कर आता है. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के इतिहास की हमारे देश का जो इतिहास है वो बहुत ही मनोरम और प्रभावमय रहा है. साहित्य ही समाज का दर्पण है. साहित्य वह सशक्त माध्यम है जो समाज को एक व्यापक रूप प्रदान करता है. यह समाज में प्रबोधन की प्रतिक्रिया का इनिशिएशन यानी कि जिस उसकी जो बिगिनिंग है वो हमारे साहित्य से ही होती है. तो यही एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा मीडियम है जो लोगों में जागरूकता की अलग जोत जगाता है और उन्हें उन्नति के सुनहरे पथ पर अग्रसर होने का भी मौका प्रदान करता है. आज हम जो थॉट्स, हमारे जो विचार हैं, उनको जो प्रकट करते हैं, अपने देश के शौर्य और गाथा की बात करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है, आज की जो यूथ है, उनमें बहुत एनर्जी है. यदि आवश्यकता है तो इस एनर्जी को ठीक प्रकार से एक अच्छी तरीके से चैनलाइज करने की. अल्टीमेटली आज जो हमारा देश है वही हमारी पहचान है. हमारा परिवार हमारी हर एक छोटी इकाई से ही देश बनता है. हमारे देश के निर्माण में ही हम सब सहायक हैं. एक व्यक्ति के जो विचार और मंतव्य होते हैं वो ही हमारे देश के विकास में सहायक हैं. हमारे विचार ही समाज को नवीनता प्रदान करते हैं तथा आज की जो युवा पीढ़ी है उनके अंदर उत्साह, उनके नए उमंग, उनके उड़ान, उनके ख्वाबों में उड़ान भरने का जो कार्य है वो हमारे विचार ही करते हैं. तथा आज मैं कुछ अपनी स्वरचित पंक्तियां भी आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी. दिन हो या रात हो, अब युवा हिंद के रहते आराम नहीं. समाज बदल रहा है युवा, व्याकुलता का अब काम नहीं. भारत माता की वेदी पर निज प्राणों का उपहार लाए हैं. शक्ति भुजा में धान गौरव जगाने भारत के युवा आए हैं. नित नवीन प्रयासों से
समाज को आगे ले जा रहे हैं। देखो युवा क्या क्या नए उद्यम ला रहे हैं। हुनर नहीं बर्बाद होता अब तहखानों में, जीवन रागनियां मंजल रही नव गानों में, जीवन रागनियां मंजल रही नव गानों में। समझ चुके हैं अब युवा, देखो युवा क्या क्या नए उद्यम ला रहे हैं। समझ चुके हैं बिना प्रयास पुरुषार्थ जय है, आगे बढ़ चलें अब भारत माता की जय है। तप्त मरु को हरित कर देने की आस लगाए हैं, युवा सुख सुविधाओं की नई परंपराएं लेकर आए हैं। कर्म यज्ञ से जीवन के सपनों का स्वर्ग मिलता इसी विपिन में, मानस की आशा का कुसुम खिलेगा। कर्म यज्ञ से जीवन के सपनों का स्वर्ग मिलेगा इसी विपिन में, मानस की आशा का कुसुम खिलेगा। जय हिंद जय भारत। Thank you for providing me with this spectacular opportunity here, and I extend my sincere regards to the organizing committee, Dr. Kulwant Singh, Dr. R.P. Singh sir, and Dr. Alka ma'am, Expression in Languages and Arts Foundation, Lucknow. Thank you. Thank you, Harshmita. It was really very nice, and I mean it was really very short but very crisp. Whatever you wanted to convey was conveyed. Anukriti ji, agar aapki ijazat ho to main kuch kehna chahungi. Yes ma'am, you are most jaise ki hamari program coordinator ko aap dekh rahe hain, ye pura jo karyakram hai hamare yuva sathiyon ke liye hai. जैसे कि अमृत महोत्सव का मंतव्य है, अमृत महोत्सव में जो शौर्य और पराक्रम की गाथाएं रही है, जिस ऊर्जा उमंग और उत्साह की बात की गई है, जिसका जो है हमें ये ज्ञात होता है इन मंतव्यों इन विचारों से, साहित्य के, और जो ये नेशनल कॉन्शियसनेस की बात जिस तरह से अभी हर्षमिता अरोड़ा जी ने करी थी, ये जो जिस खूबसूरती की वो बात कर रही थी कि जो एनर्जी आज के हमारे युवाओं में है और जिस तरह के वो सूत्रधार बने हैं जो भाषा साहित्य और समाज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है, तो मैं समझती हूँ कि आप जो है इस कार्यक्रम के जो इथॉस और स्पिरिट है उसको समझें। ये दिस इज सोलली डेडिकेटेड टू द अंडरस्टैंडिंग, टू द थॉट प्रोसेसेस, the thinking that goes to the root level of the national consciousness, that somewhere, you know, these thoughts somewhere communicate that the scholars, the young people, the writers, the creative writers, the creative, the various creative spaces, be it a poem or styling your own way of speaking, prose, or jo bhi kuch aap rachnaye रचते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और उसको फिर से समझते हैं, और किस तरह से आप देश के निर्माण में इन बातों का की भूमिका को महत्वपूर्ण ढंग से बांधते हुए अमृत महोत्सव के आगाज को, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसका आगाज किया है और जो 15 अगस्त 2022 को पूरा होने जा रहा है, when we will be celebrating 75th anniversary of Indian independence, तो हम जब देखेंगे कि, तो मैं मुझे लगता है कि आप जो जिस तरह की रचनाएं यहाँ साझा करते हैं, जिस तरह की बातें यहाँ करते हैं, वो निश्चय तौर पर एक बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ा योगदान है, और शायद जो जिस अभी हर्षमिता ने जो अपनी जो बात कर रही थी कि किस तरीके से उन्होंने अपनी रचना में हिंद को की एनर्जी को जो उकेरा है, मुझे लगता है कि उस पर अगर
बातचीत के विस्तार को थोड़ा और हम बढ़ाएं और समझें और एक प्रयास जो है और करें, एक एक्सपेरिमेंट और करें भाषा और साहित्य के जुड़ाव को और समझते हुए कि वो किस तरह से हमारे जो यंग स्कॉलर्स हैं उनकी रीडिंग, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनके इंटरप्रिटेशन से किस तरीके से जो है हम अमृत महोत्सव के आज के परिप्रेक्ष्य को देखते हैं और समझते हैं और किस तरीके से ये वो आगाज है कि हमारी जो समाज में एनर्जी है, जो मास एनर्जी है, वो यूथ की है और दैट इज सो 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 इम्पोर्टेंट टुवर्ड्स द नेशन बिल्डिंग एंड जिस नेशन जिस तरह के नेशन कॉन्स्ट्रक्ट की हम बात करते हैं, वेलबींग की बात करते हैं, वी ऑल्सो टॉक अबाउट की जिस तरह के थॉट प्रोसेसेस यू नो दैट कंडीशंस द कंडीशंस एंड इंडिविजुअल्स एंड द सोशल कंडीशनिंग परहैप्स इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अगेन लिटरेचर. तो जो साहित्य की खूबसूरती है वो आपके विचारों में निहित है, आपके ही विचारों और आपके कलम से निकल रही है और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारी जो कोऑर्डिनेटर हैं इस तरीके से इस कड़ी से जो है जो हमारा यूथ है स्कॉलर खासतौर से स्कॉलरली यूथ जो जुड़ रहा है वो अपने कहीं ना कहीं अपने अपनी कलम के द्वारा, अपनी रचनाओं के द्वारा, अपनी थॉट्स के द्वारा जिन विचारों की जो है प्रगतिवादी सोच को आगे बढ़ा रहा है और समाज तक पहुंचा रहा है वो निश्चित तौर पर जो है एक सफलता की जो है आयामों और अवसरों को जो है जन्म देगा. और अनुकृति जी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं क्योंकि जिस तरीके का आप सिलेक्शन कर रही हैं और जिस तरीके से आपने जो है ये स्पीकर्स को ये कार्यक्रमों को की जिस तरह से गति बांधी हुई है ये एक बहुत ही जिसको कहते हैं शुभ कदम है देश के निर्माण में. और आप स्वयं भी सभी वक्ताओं जो मुख्य वक्ता हमारे जो यंग स्कॉलर्स हैं क्योंकि ये पूरी सीरीज यंग स्कॉलर्स को डेडिकेटेड है और जिस तरीके से आपने सूत्र में बांधा है ये निश्चय ही साहित्य का समाज का एक अमृत है. तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं. मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इस कार्यक्रम से हमेशा जुड़ती रहूं, आप सबको सुनूं, आपके विचारों को जानूं एंड समवेयर इट रेप्लेनिशेस मी अगेन विद सम काइंड ऑफ न्यू मास एनर्जी दैट यू आर कैरिंग to help us out with some more framework towards the national consciousness and the culture we are looking forward to. So, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हस्मिता जी और सभी कार्यक्रम से जुड़े जो वक्ता, इसमें बहुत सारे वक्ता हैं जो आगे भी हमसे जुड़ने वाले हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई. बहुत बहुत धन्यवाद अनुकृति जी, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच मैम, आई एम हम्बल्ड एंड ओवरवेल्म्ड. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. Thank you so much, ma'am. Moving ahead, like we are about to wind up the session now. So we appreciate the presence and patience hearing of all the participants and the speaker this evening, Hashmita. Thank you. So ant mein main aapke liye, aap sabhi ke liye foundation ka kul geet prastut karti hu. आभार गीत.
So now one important announcement is to be made here that participants would be getting their certificates once we are done with the series after 2nd of October. So till there, we request all the participants to kindly, for their presence, we need, your name and designation that could be downloaded once we are, over with the session. So thank you, and we are ending the session here. Tomorrow again at 6:30 p.m. we would be meeting for another talk series. Okay, now you all could sign off.